आज की समय में मैं ये बोलती हूँ कि अगर आज आप अपने परिवार के साथ गदर 2 या OMG देखने जाएं, तो किसी सिनेमा घर के आगे ये नहीं लिखा होता कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं कराने जाएं, तो ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा स्कूल है तो यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़ेंगे और आपके नहीं पढ़ सकते। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, आप सरकारें चुन सकते हैं। ये हमारे लिए आजादी का मतलब है। लेकिन जब ये आजादी मिली, जिन्होंने इन आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, वो ये जानते थे कि वो ये सब कभी भी नहीं दे पाएंगे। ये आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए उन्होंने ये सब त्याग किया। तो आज ये जो तिरंगे लहरा रहे हैं, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि जिस लकड़ी के ऊपर ये झंडा लहरा रहा है, उस पे हजारों लोगों की चिताओं की लकड़ियां शामिल हैं। जिस रस्सी पे ये तिरंगा झंडा बंधा है, उस पे चढ़ के कितने ही नौजवानों ने फांसी को चूमा, और जिस सम्मानीय रंग है उसमें हजारों लोगों के खून के रंग शामिल है, तभी ये रंग इतने चमकदार हैं, इतने सम्मानीय हैं। तो हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं इस आजादी के लिए? मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, जैसे अभी नूह की घटना हुई, मणिपुर की हुई, या मूर्थल की हुई, पंजाब कश्मीर जो भी कुछ है, हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि हम अपने देश में थोड़ी सी शांति का जो भी योगदान अपने एंड पे हो सकता है हम वो दें। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो शर्मिंदा होती है उन सब बलिदान लोगों के बलिदान जिन्होंने आजादी के लिए ये सब दिया। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।